हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है मेरा, जो वो है कि हम एक एसी टू इंस्टेंस के रूट वॉल्यूम को किसी दूसरे एसी टू इंस्टेंस के रूट वॉल्यूम पे कैसे अटैच कर सकते हैं, मतलब रूट वॉल्यूम कैसे बना सकते हैं उसको। एक्चुअली मेरे पास कुछ मैसेज आए हैं, कुछ ईमेल्स आई हैं फीडबैक के लिए कि सर हम एक एसी टू इंस्टेंस के रूट वॉल्यूम को किसी दूसरे एसी टू इंस्टेंस पे रूट वॉल्यूम की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अटैच कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का ये टॉपिक है हमारा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम, अपने चलते हैं AWS कंसोल पे। AWS कंसोल पे लॉगिन कर लेते हैं अपने सब्सक्रिप्शन आईडी पासवर्ड से। तो पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं विंडोज का। आप विंडोज का कर सकते हो या EC2 इंस्टेंस आप कोई भी ले लो, लिनक्स का ले लो, विंडोज का ले लो, जो भी आपको करना है, जिस पे भी आपको प्रैक्टिकल करना है। मैं आपको विंडोज भी करके दिखाऊंगा। तो हम यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, फ्री टियर लेते हैं। यहाँ पे हम 2012 सर्वर सेलेक्ट कर लेते हैं, R2 सेलेक्ट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में T2 माइक्रो लेते हैं। यहाँ पे सारी सेटिंग डिफॉल्ट रखते हैं, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। स्टोरेज अभी देखिए बाय डिफॉल्ट ये 30 GB है आपको, ये आपका रूट वॉल्यूम का टाइप है। तो मैं इसको नोटपैड में नोट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इसकी जब हम अटैच करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ये नोट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर दीजिए, अगर कोई अपना एग्जिस्टिंग है आपका तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू कर लेते हैं। हम यहाँ पे रिव्यू करते हैं और इसको हम लॉन्च कर लेते हैं। की पेयर नया क्रिएट कर लेते हैं। इसी टू रोड वॉल्यूम आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आप पे डिपेंड है। ठीक है, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और हम इसको लॉन्च कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये इसी टू इंस्टेंस अभी क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा इसी टू इंस्टेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसका पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ। और उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको RDP के थ्रू एक्सेस करेंगे। RDP के थ्रू एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। मुझसे ये यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। तो यूजर नेम पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं, आप अपने EC2 इंस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करोगे। तो यूजर नेम आपका बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है अपना EC2 इंस्टेंस का। पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, गेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे और जो आपने पब्लिक की क्रिएट की थी आप वो पब्लिक की का पाथ सेलेक्ट करोगे यहाँ पे और इसका डिक्रिप्ट पासवर्ड कर दोगे। तो मैं इस पासवर्ड को कॉपी करके नोट कर लेता हूँ नोटपैड पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम अपनी मशीन पे जाएंगे, RDP लिया है जहाँ पे हमने, वहाँ पे यूजर नेम डालेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड हमारा पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था अभी। तो इसको ये एक्सेस करोगे तो आपका ये आपका सर्वर एक्सेस हो जाएगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम इसके अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे, कुछ फोल्डर्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम इसका स्नैपशॉट लेंगे। स्नैपशॉट से फिर हम वॉल्यूम क्रिएट करेंगे और उस वॉल्यूम को हम एक नए EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच करेंगे एज ए रूट वॉल्यूम। तो वो सब कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। तो इसको लॉगिन होने देते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये लॉगिन होता है। यहाँ पे मेरा ये सर्वर लॉगिन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ फोल्डर्स क्रिएट करता हूँ अपने सिस्टम के सी ड्राइव में। ठीक है, कुछ फोल्डर मैं डेस्कटॉप पे क्रिएट कर देता हूँ। नेक्स्ट फोल्डर डेमो, कुछ भी क्रिएट कर लीजिए, हमें ये टेस्ट करने के हमें हमारा ये यूज हुआ कि नहीं हुआ। टेस्ट फाइल क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी कर देता हूँ मैं सेम चीज, कुछ 2-3 फाइलें क्रिएट कर देता हूँ। फोल्डर तो
ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ फाइल्स और कुछ फोल्डर क्रिएट कर दिए। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सर्वर का स्नैपशॉट लेना है। तो स्नैपशॉट लेने के लिए क्या करना होगा, मुझे पहले अपनी वर्चुअल मशीन को, अपने ईसी2 इंस्टेंस को स्टॉप कर देना है। तो स्टॉप कर देते हैं हम इसको इंस्टेंट स्टेट, और यहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसका स्नैपशॉट लेना है। तो स्नैपशॉट लेने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, मेरा यहाँ पे ये इंस्टेंस स्टॉप हो गया। तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आप अपने इंस्टेंस के लेफ्ट साइड में आओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा स्नैपशॉट का, स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे। अभी आपके पास एक ही वॉल्यूम है, रूट वॉल्यूम जो आपका यूज हो रहा है। किसके साथ यूज हो रहा है, किसी इंस्टेंस के साथ यूज हो रहा है, आप इंस्टेंस आईडी चेक कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है तो आप एक बार दोबारा से मैच कर लीजिए कि सेम इंस्टेंस है या अलग है। 1D5 मेरी इंस्टेंस आईडी है। दोबारा स्नैपशॉट पे आता हूँ और यहाँ पे देखोगे आप, अभी ये कोई पुराना स्नैपशॉट है मेरे पास, अभी कोई स्नैपशॉट नहीं है उसका। बट अगर आप वॉल्यूम में जाओगे तो वॉल्यूम में आपको आपका वॉल्यूम शो कर देगा वो, ठीक है। 30 GB का वॉल्यूम हमारा ये है। तो मैं इस वॉल्यूम को सिलेक्ट करूंगा और आप यहाँ पे एक्शन में चले जाइए। एक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट स्नैपशॉट का ऑप्शन देगा, ठीक है। क्रिएट स्नैपशॉट करते हैं, यहाँ पे आपका वॉल्यूम आईडी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। डिस्क्रिप्शन में डालना, आपको यहाँ पे डाल सकते हो आप स्नैपशॉट रूट वॉल्यूम, ठीक है। स्नैपशॉट रूट लिख दिया मैंने इतने ही बस यहाँ पे, और मैं इसको क्रिएट स्नैपशॉट करते हैं। थोड़ा वेट कर लेते जब तक ये स्नैपशॉट क्रिएट होता है। तब तक मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास दूसरा स्नैपशॉट है उसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब का पड़ा हुआ है, इसका मुझे चार्ज लग रहा होगा। तो मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट वॉल्यूम करते हैं इसको, डिलीट स्नैपशॉट, दोनों सिलेक्टेड आ रहे हैं अभी। इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसको हम अभी स्नैपशॉट क्रिएट होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। अब देखिए आपका स्नैपशॉट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आप अगर आप चाहो तो आप जो आपका पहले वाला सर्वर है, जो इंस्टेंस है, आप इसको टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको टर्मिनेट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा स्नैपशॉट हमने लिया है उस स्नैपशॉट पे जाएंगे हम। उस स्नैपशॉट पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आप स्नैपशॉट को सिलेक्ट करेंगे, एक्शन में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट वॉल्यूम करेंगे। वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद आपसे ये डिफॉल्ट आपके कुछ कन्फिग्रेशन पूछता है, अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। साइज आपका डिफॉल्ट 30 GB है, आपके इसी जो आपका वॉल्यूम है वो भी 30 GB का है। आप 30 GB से कम नहीं कर सकते हो, बट अगर बढ़ाना चाहो तो आप इसको बढ़ा सकते हो, 30 से 40 GB, 50 GB, 100 GB कर सकते हो आप इसको, ठीक है। और उसके बाद आपको किस जोन के अंदर है, आपको ये याद रखना है, जोन ए के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ मैं, US East 1A के अंदर, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, क्रिएट वॉल्यूम कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, हमारा यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है और अवेलेबल है, ये यूज में नहीं है अभी तक। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, मैं दोबारा से क्या करूँगा, इंस्टेंस पे जाऊँगा। मेरा ये इंस्टेंस यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है, मैं एक और इंस्टेंस यहाँ पे लॉन्च करता हूँ, फ्री टियर करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम दोबारा से सर्वर 2000R2 सेलेक्ट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में T2 माइक्रो लेता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट करते हैं। आपको यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग रखनी है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम स्टोरेज में जाएंगे, स्टोरेज में जाने के बाद आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप, रिव्यू, लॉन्च, यहाँ पे मैं दोबारा से की पेयर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू इंस्टेंस कर देता हूँ यहाँ पे मैं, डाउन
डाउनलोड की पेयर कर लेते हैं यहाँ पे, सेव करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अभी मेरा ये EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है, तो अगर आप चाहो तो लॉन्च करवा सकते हो, अगर लॉन्च नहीं करना है तो आप यहाँ पे इसको स्टॉप करके अभी हम माउंट कर सकते हैं। तो एक बार इसको लॉन्च होने देते, रेडी होने देते EC2 इंस्टेंस को, उसके बाद हम इसको स्टॉप करके इसके साथ जो रूट वॉल्यूम अभी अटैच्ड है हम उसको डिटैच करेंगे, और जो हमारे पास दूसरा वॉल्यूम पड़ा हुआ है, दूसरी जो जिसका हमने रहने वाले सर्वर का स्नैपशॉट लिया था, जिससे हमें रूट वॉल्यूम क्रिएट किया है, उस वॉल्यूम को हम एज ए रूट वॉल्यूम इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा नया EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो गया, रेडी हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, न्यू इंस्टेंस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका वॉल्यूम का नाम और चेंज कर देता हूँ, ताकि हमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा वॉल्यूम इसका था और कौन सा डिफरेंट है, हमारा जो पहले वॉल्यूम है वो वाला था। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम पे जाता हूँ, मेरा ये वॉल्यूम यूज है, मैं इसको डाल भी देता हूँ न्यू इंस्टेंस करके। न्यू इंस्टेंस में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरा नया इंस्टेंस का था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मुझे मैं ये इंस्टेंस जो हमारा अभी रनिंग स्टेट में है, नया हमने क्रिएट किया था, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, यस करते हैं। आपको एक चीज का यहाँ पे याद रखना होगा, जब भी आपको कोई भी EC2 इंस्टेंस का वॉल्यूम आपको डिटेच करना है, रूट वॉल्यूम, तो आपका इंस्टेंस स्टॉप स्टेट में होना चाहिए, रनिंग स्टेट में आप उसके वॉल्यूम को डिटेच नहीं कर सकते। हाँ, बाकी का अगर कोई अदर वॉल्यूम है तो उनको डिटेच कर सकते हो आप, बट रूट वॉल्यूम को आप डिटेच नहीं कर पाओगे रनिंग स्टेट के अंदर। तो उस केस में क्या करना है, आपको अपने EC2 इंस्टेंस को स्टॉप करना है, और आपका जो रूट वॉल्यूम है उसके साथ उसको आप डिटैच कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ये EC2 इंस्टेंस स्टॉप हो गया है, देखिए ऑलमोस्ट स्टॉपिंग में है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमने जो इसका जो वॉल्यूम है हमें उसको पहले हमें डिटैच करना होगा इस सर्वर से, ठीक है। तो मेरा ये EC2 इंस्टेंस यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब आपको क्या करना है, आपका जो इसका रूट वॉल्यूम अटैच्ड है इसका, उसको मैं डिटैच करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे वॉल्यूम पे जाएंगे और इसको हम यहाँ से डिटैच करेंगे। डिटैच करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका रूट वॉल्यूम आपका जो सिलेक्ट करेंगे, जो डिटैच करना है, अभी ये इन यूज दिखा रहा है, मैं एक्शन में जाऊँगा और यहाँ से इसको डिटैच वॉल्यूम कर दूंगा, यस करते हैं। तो यहाँ से डिटैच करने के बाद आपका ये EC2 इंस्टेंस अवेलेबल में आ जाएगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अभी ये इन यूज था, बट अभी ये अवेलेबल आ गया, मतलब मैं इसको यूज कर सकता हूँ अगर कहीं पर मुझे करना है तो, बट मुझे अभी ये डिटैच किया तो मैं इसको यूज नहीं करना। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो दूसरे वाला वॉल्यूम है, जो पहले वाले EC2 इंस्टेंस का था, मैंने जो स्नैपशॉट से वॉल्यूम क्रिएट किया, उस वाले वॉल्यूम को हमें इस सर्वर के साथ अटैच करना है एज ए रूट वॉल्यूम। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप अब उस वॉल्यूम तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उस वॉल्यूम को स्नैपशॉट करो, उस वॉल्यूम को सेलेक्ट करोगे, एक्शन के अंदर जाओगे, अटैच वॉल्यूम करोगे, इंस्टेंस पे यहाँ पे क्लिक करोगे आप। तो इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक इंस्टेंस दिखा रहा है, न्यू इंस्टेंस आईडी, जो भी स्टॉप स्टेट में है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या मिस्टेक करते हैं, कई बार क्या होता है कि जो हमारा EC2 इंस्टेंस होता है और हमारा जो स्नैपशॉट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जोन में क्रिएट कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे शो नहीं करेगा आपको। तो मेक श्योर कि आपका जो EC2 इंस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हो और जो स्नैपशॉट से आपने वॉल्यूम क्रिएट किया है वो आपके सेम जोन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका जो आपको रूट वॉल्यूम कनेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे आपका रूट वॉल्यूम का फाइल सिस्टम का फॉर्मेट डालना है, जो हमने यहाँ पे नोट किया था। तो जब भी हम क्रिएट कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे नोट किया था कि हमारा ये रूट वॉल्यूम का टाइप है, ठीक है। यहाँ पे मैं रूट वॉल्यूम टाइप पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अटैच करना है। अटैच करने के बाद अभी ये इन यूज में आ गया और हमारा ऊपर वाला अनयूज में आ गया है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इंस्टेंस पे जाएंगे और अपनी स्टॉप इंस्टेंस को स्टार्ट कर देंगे। यस करते हैं। तो अभी देखिए पुराने वाले, जो हमने पुराने वाले सर्वर का स्नैपशॉट लिया था, उसके जो हमने वहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट की थी, फाइल्स क्रिएट की थी,
वो हमें इस वॉल्यूम इस सर्वर के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया उसका रूट वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेके वॉल्यूम क्रिएट किया और उस वॉल्यूम का हमने एज ए रूट वॉल्यूम इस सर्वर पे कनेक्ट किया है। ठीक है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो हमने पासवर्ड जो हमारा था, जो हमारे पुराने वाले ईसीटू इंस्टेंस का था पासवर्ड, वो वाला पासवर्ड यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमने की यहाँ पे रूट वॉल्यूम जो अटैच किया पुराने वाले सर्वर का अटैच किया है। जो हमारे पास की नए वाले सर्वर की थी हमने उसको यूज नहीं किया, वो डिफरेंट की थी और हमारे पुराने वाले सर्वर की डिफरेंट की थी, तो यहाँ पे नई की नहीं लेगा जो हमने ये ईसीटू इंस्टेंस क्रिएट किया था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो रूट वॉल्यूम अटैच किया वो पुराने सर्वर का अटैच किया है, तो जो भी हमारी जो कीज होती है वो हमारे रूट वॉल्यूम के अंदर ही सेव होती है, तो मेक श्योर ये आपको याद रखना होगा हमेशा। ठीक है, तो ये ईसीटू इंस्टेंस लॉन्च होने देते हैं एक बार, फिर मैं आपको एक बार लॉगिन करके भी दिखाता हूँ इसको कैसे हम एक्सेस करते हैं और कैसे हमें हमारा डाटा वहाँ पे मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये क्रिएट होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ईसीटू इंस्टेंस रेडी हो गया, तो मैं इसका पब्लिक आईपी कॉपी करता हूँ, एमएसटीएस ही लेते हैं, इसका कनेक्ट करता हूँ, यूजर नेम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर डालता हूँ और पासवर्ड जो हमने पुराने वाले ईसीटू इंस्टेंस का कॉपी किया था वो पासवर्ड मैं यहाँ पे डालता हूँ जिसका हमने स्नैपशॉट लिया है। ठीक है, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका ये सर्वर आपको एक्सेस हो गया है। ठीक है, एक बार लॉगिन होने देते हैं, तो लॉगिन होने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको जो हमने वहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट किए थे वो फोल्डर भी आपको यहाँ पे सारे के सारे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक ईसीटू इंस्टेंस का रूट वॉल्यूम किसी दूसरे ईसीटू इंस्टेंस के ऊपर अगर यूज करना है आपको तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये तीनों फोल्डर हमने क्रिएट किए थे, तीनों फोल्डर यहाँ पे हैं, दो तीन फोल्डर हमने सी ड्राइव के अंदर भी क्रिएट किए थे, तो वो फोल्डर भी आपको वहीं पे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे एक टेस्ट फाइल क्रिएट की थी हमने, एक रूट वॉल्यूम के नाम से फोल्डर किया था और एक डेमो के नाम से फोल्डर क्रिएट किया था, तो सारे के सारे फोल्डर्स भी आपको वहीं पे मिल गए हैं। तो इस तरीके से हम अपने एक ईसीटू इंस्टेंस का रूट वॉल्यूम किसी दूसरे ईसीटू इंस्टेंस पे अटैच कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं विद डाटा बैकअप के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में मेरा मोटिव यही था कि हम एक ईसीटू इंस्टेंस का रूट वॉल्यूम किसी दूसरे ईसीटू इंस्टेंस पे कैसे अटैच करते हैं और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि वीडियो मैंने क्रिएट किया है बट इसमें टॉपिक मल्टीपल कवर हुए, तो क्या क्या टॉपिक कवर हुए मैं आपको एक बार वो भी बता देता हूँ नोटपैड में नोट करके। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया है, मैंने क्या किया एक ईसीटू इंस्टेंस लॉन्च किया हमने, तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए एक हो गया कि हाँ भाई ईसीटू इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। सेकंड क्या है यहाँ पे, सेकंड आपका ये होगा कि आप एक ईसीटू इंस्टेंस का स्नैपशॉट कैसे लेते हो, हाउ टू टेक स्नैपशॉट फॉर ईसीटू इंस्टेंस वॉल्यूम। ठीक, थर्ड में क्या हो गया, थर्ड में आपका आ गया हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। फोर्थ टॉपिक में आपका क्या आ गया, हाउ टू अटैच रूट वॉल्यूम ईसीटू इंस्टेंस रूट वॉल्यूम विद अनदर ईसीटू इंस्टेंस। और इसमें आप फाइव नंबर पे आप ले सकते हो कि हाउ टू अटैच एंड डिटैच वॉल्यूम फ्रॉम ईसीटू इंस्टेंस। तो देखिए इसके अंदर एक वीडियो है हमारा, लेकिन टॉपिक पांच कवर हो गए हैं और मैंने पूरे प्रैक्टिकल के साथ आपको शो करके दिखाया है। तो अगर आप एक एक करके करना चाहते हो तो आप एक के अंदर ही सारे के सारे आपके टॉपिक कवर हो रहे हैं, और अगर आपको अलग अलग से करना है तो मेरे यहाँ पे आपको इस आपको पूरी सीरीज भी मिल जाएगी, पूरी वीडियो मिल जाएगी, हम स्नैपशॉट कैसे लेते हैं, वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, ईसीटू इंस्टेंस को अनदर ईसीटू इंस्टेंस के साथ कैसे अटैच करते हैं रूट वॉल्यूम को, और हाउ टू अटैच और डिटैच वॉल्यूम फ्रॉम ईसीटू इंस्टेंस। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, अपना फीडबैक शेयर करते रहिए। अगर आपको कोई किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई वीडियो क्रिएट करवाना है तो मुझे ईमेल कर सकते हो, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो आई विल ट्राई कि मैं कितनी जल्दी है उस पर वीडियो क्रिएट कर दूँ, तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।